नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये हमने बैंड सीलिंग मशीन रखा हुआ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या इसकी विशेषताएँ होती हैं, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है, आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, क्या क्या पैकिंग करने के लिए कर सकते हो, क्या इसका प्राइस होता है, क्या इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन वगैरह होता है, कैसे आप ये परचेज कर सकते हो, कैसे आपके पास पहुंच सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तो यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग लघु उद्योग, छोटे मोटे धंधे, व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे सामने हमारी बैंड सीलिंग मशीन रखी हुई है, जिसका एक एक बारीकी से हम लोग देखते हैं पहले कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इसका प्लग इन सॉकेट दिया हुआ है, जिसे कि हमें यहाँ पे लगाना होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इसे हम बोर्ड में कनेक्ट करेंगे ताकि इसके अंदर जो पावर है उसकी सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके। दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लग इन कर दिया है मशीन को। तो अब यहाँ से ये जो आप रेड वाली बटन देख रहे हो, यहाँ से हमें पावर ऑन करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे हमने प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे लाइट जली, तो ये अब पावर ऑन हो चुका है। इसके बाद ये येलो कलर का जो बटन दिख रहा है आपको, येलो कलर का, इस पर इसे प्रेस करने से जो इसकी हीट होती है, जो सील करने के लिए जो गर्म किया जाता है इसके व्हील को, उसके लिए हमें इस येलो वाले बटन को प्रेस करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे येलो वाले बटन को भी प्रेस कर दिया तो ये अब हीट होने लगा है। हीट होने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ लगे हुए हैं कि हमें कितना हीट करना है, ठीक है। जीरो टेम्परेचर से लेके 300 तक इसमें दी हुई है कि आप हीट करा सकते हो इस मशीन को। तो नॉर्मली जो अगरबत्ती के लिए पाउचेज यूज होती है उसे हीट करने के लिए हमें 100 के अराउंड रखना होता है। आप 100 से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हो, 110-120 भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अभी हम इसको 110 पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100 के बाद ये अगला 110, ठीक है। तो इसे हमने इसे टेम्परेचर को जो है एडजस्ट कर लिया है, और अब जब ये इसका जो हमने टेम्परेचर फिक्स किया है, जब ये इस टेम्परेचर के अराउंड पहुंच जाएगा, इसकी टेम्परेचर जो हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रेड बटन है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो इसका टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें यदि ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसे ठंडा करने के लिए इसके अंदर फैन लगी हुई होती है, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक इसके लिए स्विच दी हुई है फ़ैन करके, यहाँ पर देख पा रहे हो फ़ैन। तो जब हम इसे चला देंगे तो यहाँ पे इसका फैन चलने लगता है, जिससे कि ये इसका ठंडा हो जाएगा। तो ये तब होता है जब ये ज़्यादा गर्म हो चुका हो या बहुत देर से मशीन चल रहा हो, तब इसका यूज किया जाता है। बाकी आप इसे बंद करके भी रख सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला होता है कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट चलाने के लिए यहाँ से ये वाला जो वॉल्यूम है आपको दिख रहा होगा, इससे आप कन्वेयर, इस वॉल्यूम के माध्यम से आप कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, अभी अगर इसको कम कर देंगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सामान्यतः यही है इसका ऑपरेट करने का। इसके बाद इसमें एक इमरजेंसी बजर करके दिया हुआ है, इमरजेंसी स्टॉप के लिए, कि यदि आपके मशीन में कहीं भी कुछ भी दूसरी समस्याएं आती है जिसके कारण पाउच फंस रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये वाला जो आप बटन बजर देख रहे हो, स्टॉप बजर, इसको आप जस्ट एक प्रेस कर दोगे तो सारा मशीन लॉक हो जाएगा,
बंद हो जाए। मशीन जो है ये रेड वाला बजर को प्रेस कर देने से जो मशीन है और वो टोटली लॉक हो जाएगी और आपका मशीन पूरा रुक जाएगा। और फिर से यदि हमें इसे दोबारा से चालू करना हो तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि देख पा रहे हो कि इसे हमें मूव करना होगा जिस डायरेक्शन में ये इसमें चिन्हित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव करके छोड़ देने से मशीन अपने आप फिर चालू हो जाएगा। फिर से यदि हमें इसे स्टॉप करना होगा तो जस्ट इसे प्रेस कर देते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। फिर यदि हमें चालू करना होगा तो जस्ट इस डायरेक्शन में घुमा के हमें छोड़ देना है तो मशीन अपने आप चालू हो जाता है। अभी अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पैकिंग कैसे होती है, किस टाइप से इसकी पैकेजिंग बनती है। तो अभी हम अपना कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये थी मशीन को यूज करने से पहले की कुछ सामान्य परिचय जो हो सकता है मशीन का, सामान्य इंस्ट्रक्शंस थी जिसे कि हमें फॉलो करना होता है। अभी अब इसके आगे हम लोग पाउचेज पैक करके देखते हैं। अगरबत्ती चूँकि हमारा बेस प्रोडक्ट है अगरबत्ती, तो इसमें हम लोग अगरबत्ती को पैक करके देखते हैं कि किस टाइप से उसकी पैकिंग होती है, कैसा दिखता है पैकिंग होने के बाद और कितना टाइम लगता है पैकिंग होने में। फिर उसके बाद हम लोग प्राइस वगैरह की बात करेंगे, कैसे आप मंगवा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। यहाँ से अभी हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पाउच को पैक किया जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग, अभी अब हम लोग ये हमारा जो अगरबत्ती का पाउच है तो इसमें हमें जो भी प्रोडक्ट पहले फिल करना है वो प्रोडक्ट इसमें फिल कर लेते हैं। फिर इस मशीन के ऊपर हम लोग सीलिंग का जो काम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान के चलते हैं कि हम इस पाउच के अंदर 20-20 स्टिक यदि डालनी है हमें, तो मैनुअली हमें 20-20 स्टिक करके गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे हमने एक लड़ी में रखने योग्य अगरबत्ती काउंट करके रख लिया है। तो पहले हम लोग इसे एक लड़ी के अंदर रख लेते हैं इस अगरबत्ती को, और फिर इसकी पैकिंग करके हम लोग आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। मिस मत करिएगा कहीं पर भी वीडियो को, ये काफ़ी आसान होता है, आपको इसमें कहीं भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। जो भी काम है ये घर पे बैठे कोई भी गृहिणी वगैरह भी कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपनी जो हमारा प्रोडक्ट है अगरबत्ती इस पाउच के अंदर फिल कर लिया है काउंट करके। तो आपका जो कोई भी दूसरा भी प्रोडक्ट हो तो आप जितनी भी क्वांटिटीज वगैरह डालते हो, डालना चाहते हो, आप उतना डाल के रेडी रख सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे मशीन को भी चालू कर दिया है, हमारा मशीन चालू हो चुका है। और अभी अब हम लोग इसका जो ये कन्वेयर है ये अभी बंद है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये कन्वेयर बेल्ट अभी हमारा बंद है। इसे अब हम लोग चालू करेंगे। तो ये देखो हमारा कन्वेयर बेल्ट जो है चालू हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसकी सीलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमें इसमें डालना होता है, और ये मशीन ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद से करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें वहाँ पे एक बार हमें रख देना है। देख सकते हो कितनी शानदार और ओसम इसकी पैकिंग जो है वो हुई है, कितनी शानदार पैकिंग हुई है, आप देख सकते हो, एकदम प्रोफेशनल टाइप का दिख रहा होगा आपको, बेहद ही उम्दा इसकी पैकिंग हुई है। और भी दो चार पाउचेज हम लोग यहाँ पे आपको पैक करके दिखाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। देख पा रहे हैं इस टाइप की अगर कोई भी जीपर होती है आपके पास तो उसे अगर हम लोग पैकिंग करते हैं, तो अभी तो अब मैं वेट करके नहीं डाल रहा हूँ, चूँकि उस कारण से आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं बस ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। तो ये जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने इसे रेडी कर लिया है, अब इसे हम पैक करेंगे। बस यहाँ पे आसानी से हमें रख देना है बस। देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पैक होके रेडी हो चुका है, कितना शानदार पैकिंग है इसका, देख सकते हो आप।
आप इससे किसी भी तरह की पाउच पैक कर सकते हो, सिवाय आपका प्रोडक्ट लिक्विड ना हो। लिक्विड के अलावा कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसकी पैकिंग इतनी ही आसानी के साथ कर सकते हो। और भी दो चार पाउचेज को हम लोग यहाँ पे पैक करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। जैसा कि देख पा रहे हो कि ये हमारा, हमने अब दूसरा पाउच रख लिया है, दूसरा जिपर हमने ले लिया। अब इसे हम लोग पैक करके यहाँ पे देखते हैं। ये चंदन आप देख पा रहे हैं, डिवाइन फ्रेग्रेंस चंदन प्रीमियम इंसेंस स्टिक का जिपर है ये। अभी अब हम लोग इसे सील करते हैं। तो बस हमें इसे यहाँ पे रख देना होता है, बाकी का जो भी काम होता है ये मशीन कर लेती है। देख सकते हो यहाँ पे हमने, ये हमसे थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया, फिर भी जो इसकी पैकिंग की क्वालिटी है अब वो आप देख सकते हो कितना स्मूथ है, कितनी शानदार दिख रही है, एकदम प्रोफेशनल लुक आ रहा है। और एक दो पाउच हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, फिर से हम इसे फिल कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसकी पैकिंग करके देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं गुलाब अगरबत्ती, इस टाइप की जो भी पाउचेज वगैरह होती है वो भी हमारे पास उपलब्ध होती है। तो यदि आप अगरबत्ती की किसी भी तरह की पाउचेज वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी अब हम लोग इसे पैक करते हैं और देखते हैं इसका क्या रहता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये भी काफ़ी शानदार तरीके से पैक होके निकल चुकी है, काफ़ी बेहतरीन पैकिंग निकली है इसकी भी, जो कि आपको वीडियो के अंदर स्पष्ट दिख भी रहा होगा। मुझे लगता है कि ये डेमो अब काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। फिर भी यदि कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने डेमो के अंदर देखा कि किस तरह से ये मशीन वर्क करती है, कितनी आसानी के साथ आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे आप घरेलू बिजली के ऊपर आराम से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी बिजली की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, एकदम नॉमिनल आती है। और मशीन की जो प्राइस होती है वो वेरी करती है, इसमें भी बहुत सारी मॉडल्स आती है, बहुत सारी क्वालिटीज आती है जो कि 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक वेरी करती है, ठीक है। तो आपको जिस क्वालिटी की मशीन चाहिए हो आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हो। डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आप कैसे हमसे ये मशीन मंगवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होती है, बाई कुरियर बाई ट्रांसपोर्ट ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो आप हमारा ऑफिस भी विजिट करके आप सामने से भी आके हमारे से ये मशीन आप लेके जा सकते हैं। और यदि आपके लिए आप आना संभव नहीं है हमारे पास तो आप कुरियर या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा को अवेल करा सकते हैं। तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करिए और बात करिए कि कैसे आप ये मशीन मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या इस मशीन की कुछ गारंटी वारंटी होती है, तो इस मशीन की जो गारंटी और वारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मशीन की इलेक्ट्रॉनिक वारंटी होती है 1 साल की, जो कि आपको किसी भी तरह की कुछ भी तकनीकी समस्याएं वगैरह आती है तो वो आपको ऑन कॉल उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करी जाएगी हमारे माध्यम से। बाकी एक जुड़ाव की बात होती है कि कोई भी तरह की अगर आपको समस्या आती है, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल उस चीज़ के लिए उस चीज़ का निष्पादन करके दिया जाता है। तो यदि आप मशीन मंगवाना चाहते हैं तो कॉल करिए और मंगवाइए। ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस उपलब्ध है, भारत के हर कोने में मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर हमारी ये मशीनें पहुंच सकती है। वो जो टाइम है वो डिपेंड करेगा दूरी के ऊपर, जैसे अगर आप पास के स्टेट से हो, जैसे यूपी से हो, झारखंड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो ये मशीन आपको 2 से 3 दिन में भी मिल सकती है। वही यदि आप चेन्नई से हो तो ये आपको 6 से 7 दिन लग सकती है। तो मैक्सिमम 1 सप्ताह के टाइम पीरियड के अंदर आपको मशीन की डिलीवरी मिल जाएगी। तो आप जहां से भी हो, आप जैसे भी चाहो, आप ये मशीन हमसे मंगवा सकते हो। यदि इस मशीन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी आप चाहते हो, आपको लगता हो कि इस वीडियो के अंदर जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, कोई ऐसी बात जो वीडियो में नहीं बता पाए हैं, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी जो आपके मन में, आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।